साथियों नमस्कार। ये वीडियो कंपटीचर भर्ती 2021 के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट जो हियरिंग थी 19 अप्रैल 2021 जो कि कुछ कारणों की वजह से 3 मई 2021 के ऊपर रखी गई थी। अब वे जो कारण थे उसके अंदर बताया गया था कि जो ऑनरेबल चीफ थे वे सभी किसी अर्जेंट मीटिंग के कारण जो है उसके अंदर अपना समय नहीं दे पाए थे और इसको जो है फिर आगे ले जाना पड़ा था। और हमारे आदरणीय भाई साहब टीएन शर्मा साहब ने जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की वहाँ पर। वैसे इस हियरिंग को बहुत ही आगे बढ़ाया जा रहा था लेकिन वहाँ पर टीएन शर्मा साहब के जो है रिक्वेस्ट पर जो है इसको 3 मई 2021 के ऊपर रखा गया था जो कि आज है। आज हाईकोर्ट के अंदर कंपटीचर भर्ती 2021 के ऊपर जो है हियरिंग है और इसके लिए भाई दीपेश चौधरी, धर्मवीर जी और अन्य जो भी साथीगण हैं बहुत ही दमखम के साथ जो है इस तैयारी को जो है नियमित रूप में निकलवाने के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप भी जो है इसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि आज ये भर्ती जो है किस बेस पर निकल सकती है? वैसे मेरा ये विश्वास है कि इस बार सरकार जो है इस भर्ती को नियमित रूप में ही निकालेगी। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं क्या आप भी इस भर्ती के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी योग्यता है उसको आप जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा कि आज 3 मई 2021 को जो है कंपटीचर भर्ती 2021 के लिए जो है हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग है। इस भर्ती के ऊपर ये संशय बना हुआ है कि इस भर्ती को नियमित रूप में निकाला जाएगा या फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर। हम जितने भी कंप्यूटर डिग्री धारी भाई हैं ये सब इस मेहनत पे लगे हुए हैं कि इस भर्ती को कैसे भी करके जो है नियमित रूप में निकाला जाए। तो साथियों देखते हैं आज हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है और जैसे ही कोई फैसला आता है तो मैं आपके सामने जो है उस न्यूज को लेकर जरूर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।